दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, स्त्री या पुरुष का। एक तो ऐसे होता है जो टर्न वाइज, एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में अपने कर्म आधार पर कष्ट भोग कर फिर उन प्राणियों से आकर मनुष्य शरीर एक टर्न वाइज या नंबर वाइज मिलता है, वो विधान है प्रभु का उस विधान अनुसार। और दूसरा मनुष्य जन्म मिलता है पिछले जन्म भक्ति के आधार से। तो जिन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर भक्ति के आधार से प्राप्त है वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकते। उन्होंने मार्ग कुछ भी मिला हुआ है, चाहे गलत है चाहे कैसा भी है, वो अवश्य भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो रुक नहीं सकते, उनके स्वभाव में समावेश है। और जो कहने से भी नहीं मानते, कति अनाड़ी हैं, वह मनुष्य जीन जूनी से नहीं आए हैं, वो कोई पशु जूनी से, कोई पक्षी जूनी से, कोई वृक्ष जड़ जूनी से आए हुए प्राणी। तो आप जो तुरंत भगवान की महिमा से परिचित हो रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आ रहे हो, या कहीं दूसरे संतों को पूर्ण संत मान के वहां चपकी बोली आत्मा, ये सारी कबीर परमात्मा की कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हुए हैं। तो इस कारण से आपको चार्ज कर गया परमात्मा 64 लाख को केवीए भक्ति युग तक, और डले डोलेंगे मनुष्य जीवन मिलता रहेगा, फिर हम आएंगे या ये दास भेज दिया तो ये जल्दी समझ जाएंगे, और ये मनुष्य जीवन से निकली हुई प्राणी तुरंत मान जाएंगे मेरी बात को, अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके सतलोक ले चलूंगा। परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं और इनको बैटरी, इनकी बैटरी चार्ज कर जाऊं, इनको रिचार्ज कर दूं, ये फिर भक्ति चाहते रहे। अब सतयुग से लेकर आज तक आपकी बैटरी ही चार्ज हुई, आप पार नहीं हुए। अब आपको बैटरी आपकी कंप्लीट कर देगा परमात्मा, और साथ में जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उठा ले जाता है काम लेने के लिए, तो ऐसे आपको सतलोक ले चलेगा जब आपकी पूरा भक्ति हो जाएगी।